क्लास की शुरुआत हम लोग किरचॉफ लॉ से करेंगे। इससे पहले के चैप्टर में हमने सेल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इनके बीच रिलेशंस क्या हैं, सेल्स को अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आता है, पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो कितना आता है, अगर आइडेंटिकल सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स हैं तो इनका कॉम्बिनेशन में ईएमएफ किस तरह से बनता है, हमने इसका डेरिवेशन सब कुछ कर लिया है। आज हमारी क्लास में हमारा जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ्स लॉ दो लॉ है किरचॉफ्स के, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ दैट इज़ केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको बोलते हैं, सेकेंड लॉ किरचॉफ्स सेकेंड लॉ जिसको हम केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं। इन दोनों को पढ़ने के बाद हम इसके आगे चलेंगे, इसके आगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या काम आता है, क्या होता है उसमें, उसके बाद हम व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। इनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है मैं बताते जाऊँगा, एग्जाम में कौन सा आ सकता है, कौन कितने नंबर में आएगा, ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस सिलेबस में आपके हैं। इसके आगे हमको पोटेंशियोमीटर पढ़ना है, पोटेंशियोमीटर भी हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। पोटेंशियोमीटर में ईएमएफ कंपेयर और रेजिस्टेंस कंपेयर अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये हटा दिया, बस इसका होता क्या है इसके बारे में डिटेल में जानना है। तो कुल मिलाकर मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हट चुके हैं। अब बचा व्हीटस्टोन ब्रिज, बस ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास की शुरुआत होती है किरचॉफ्स लॉ से। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे नेटवर्क से रिलेटेड। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो कहता है वो ये कहता है कि किसी भी सर्किट में किसी नोड पे मिलने वाले जितने भी करंट हैं, ओके, कोई सर्किट है उसमें कोई नोड है, उस नोड पे मिलने वाले जितनी करंट है उनका सम हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है, मतलब जितनी करंट उसमें इन कर रही होंगी उतनी करंट उसमें उससे आउट भी होंगी। ओके, इनवर्ट करंट एंड आउटवर्ट करंट बोथ विल बी, मतलब सम ऑफ बोथ करंट विल बी ज़ीरो। ओके, सो वी विल स्टडी फ्रॉम हियर। ओके, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग उसको अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते भी जाएंगे। ठीक है, नोटबुक तैयार होनी चाहिए, साथ ही जो न्यूमेरिकल में होमवर्क के रूप में दूंगा वो भी आप यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे समझते हुए, अगर नहीं समझ में आता तो उनसे पूछ लेंगे। क्लियर? ओके, तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन इन सर्किट इज जीरो, दैट इज नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, दैट इज रिटन एज समेशन आई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे ये एक नोड है, इस नोड पे यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, दोनों इनवर्ट करंट है, और एक करंट यहाँ जा रहा है और एक करंट यहाँ जा रहा है, दोनों आउटवर्ड करंट है। तो अगर इनवर्ट करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं तो आउटवर्ड करंट को हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री माइनस आई फोर विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, दैट इज रिटन हियर, आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई थ्री माइनस आई थ्री प्लस आई फोर सम ऑफ आई इक्वल टू जीरो एट एनी जंक्शन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स सर्किट सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। क्लियर, तो दिस इज योर करंट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ समझाया गया है। इस एग्जांपल में एक नोड यहाँ पर है, दूसरा नोड यहाँ पर है। ठीक है, तो इस नोड में टोटल जो करंट जितनी भी करंट आ रही है सब आ रही है, बाहर जाने वाली करंट कौन सी होगी, बस यहाँ इस ब्रांच में होगी। तो इस ब्रांच में कितना करंट है अभी आपको नहीं बताया गया है, लेकिन इस ये ब्रांच आगे जाके दो ब्रांच में और डिवाइड हो रही है। एक ब्रांच में 5 एम्पियर है, तो दूसरे ब्रांच में जो करंट बचेगी वो करंट कौन से बचेगी, दिस करंट माइनस 5 एम्पियर। ओके, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस नोड में आउटवर्ड करंट जो आएगी वो दैट विल बी समेशन ऑफ 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर। सो अच्छा, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, टोटल 6 एम्पियर। अब 6 एम्पियर आगे जाके दो ब्रांच में डिवाइड हो रही है, 5 एम्पियर प्लस समथिंग, तो दैट विल बी इक्वल टू 5 प्लस आई। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट आई इक्वल टू 1 एम्पियर। तो यहाँ से जो आई बाहर निकल रही करंट वो 1 एम्पियर बचेगी। ठीक है, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल और होंगे, आप इजीली बना सकते हैं। ओके, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट केसीएल, दिस इज अ करंट लॉ। ठीक है, द लॉ फॉलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, दिस लॉ फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये मैं पहले बता चुका हूँ। द लॉ इज वैलिड फॉर बोथ ओपन एंड क्लोज सर्किट, ये लॉ ओपन सर्किट के लिए भी वैलिड है और क्लोज सर्किट के लिए। आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो रहेगा वो सिर्फ क्लोज सर्किट के लिए वैलिड रहेगा। ओके,
यहाँ लिखा है किरचॉफ लॉ इज ऑफ टू टाइप, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको आप पहले लिख लेना, उसके बाद किरचॉफ करंट लॉ लिखना। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है पहले नॉर्मल भाषा में समझा देता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन वगैरह थोड़ा समझेंगे, ठीक है। अब एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, ठीक है। इसमें वोल्टेज सोर्स है और ये दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से करंट फ्लो होगा, करंट बाहर निकलेगा, करंट इस रेजिस्टर से होकर गुजरेगा और इस रेजिस्टर से होकर गुजरेगा, सॉरी इस रेजिस्टर से होकर गुजरेगा और वापस इस वोल्टेज सोर्स में आके मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वोल्टेज सोर्स में आके जब मिलेगा तब इसका एक वोल्टेज रहेगा, वो वोल्टेज किसके बराबर होगा, इस रेजिस्टर से अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और इस रेजिस्टर से अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इन दोनों के बराबर रहेगा। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, जो करंट यहाँ फ्लो हो रही है मल्टीप्लाई बाय दैट रेजिस्टेंस, दैट इज V2 इक्वल टू IR2। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V1 इक्वल टू IR1, ठीक है, सॉरी ठीक है। सो दैट इज रिटन हियर, E इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 विल बी इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, E विल बी इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2। सो R1 प्लस R2 क्या होगा, सीरीज में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसको सिग्मा आर लिख सकते हैं, तो ई माइनस सिग्मा आई आर दैट विल बी इक्वल टू जीरो फॉर अ क्लोज सर्किट, ई माइनस सिग्मा आई आर दैट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब टोटल वोल्टेज सोर्स जो होगा उस पूरे सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके बराबर होगा। सो फॉर KVL इट इज रिटन हियर, इन एनी क्लोज लूप अलजेब्रिक सम ऑफ EMF एंड टोटल वोल्टेज ओनली इन क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये सब आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, ये डायग्राम अच्छे से बना लेंगे, ओके। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट KVL, ठीक है। अब KCL में कुछ फैक्ट था, KVL में कुछ फैक्ट है, आप इसको कंपेयर करते चलेंगे। द लॉ इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, ये लॉ सिर्फ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए वैलिड है। द लॉ इज कॉल्ड लूप लॉ, इसको किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं या किरचॉफ सेकेंड लॉ भी बोलते हैं, विच इज सिमिलर टू ओम्स लॉ। दिस लॉ ऑब्वियस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो क्या कर रहा था KCL, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान रखिएगा, ओके ठीक है। स्टेप्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ KVL एंड KCL, ठीक है। ये ऐसी चीज़ है कि इसको मैं अभी मोबाइल में नहीं समझा सकता, इसको जब क्लास में बताऊंगा तब उसमें एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल है और इसमें डायग्राम के थ्रू बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है, ओके हाँ। पर इस पर बेस्ट व्हीट स्टोन ब्रिज है, उसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल्स अभी मैं रहने देता हूं, अगर आप लोगों को समझ में खुद से आए तो आप लोग करते जाइएगा। डिस्ट्रीब्यूट करेंट इन ऑल, अच्छा सॉल्व कर KVL को अगर आपको सॉल्व करना है उसको प्रोसीजर कैसे होगा, तो पहले आप करंट को सारे डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, ठीक है, साइन कन्वेंशन। अब करंट जिस जहाँ से इंटर करेगा रजिस्टर में, अगर इंटर करे तो उसको पॉजिटिव, और जहाँ से निकलेगा उसको नेगेटिव लेना, वहाँ पे नेगेटिव साइन लेना। जहाँ से करंट इंटर करे वहाँ पॉजिटिव लिखना है, और जहाँ से करंट निकले वहाँ नेगेटिव लिखना है, ओके ठीक है। अब इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल वगैरह है, ये सब आप लोग मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। ठीक है, और इसको आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इजी है, हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। ये न्यूमेरिकल थोड़ा इजी है, मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसके क्वेश्चन आप लिख लीजिए। और बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेगलिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनल अपोजिट कॉर्नर ऑफ क्यूबिकल नेटवर्क, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 12 रजिस्टर ईच ऑफ 1 ओम, ठीक है। 12 रजिस्टर्स ने कंसिस्ट किए हैं जो एक क्यूबिक, एक मतलब एक क्यूबिक फॉर्म में एक सर्किट दिया है जिसमें कि सभी सभी रजिस्टर्स जो है 1 ओम के हैं, ठीक है, टोटल 12 रजिस्टर्स है। तो उसमें आपको इक्विवेलेंट रजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो जिस बैटरी से कनेक्ट है उसका वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, ठीक है। तो वो सर्किट कुछ इस तरह से है, ठीक है, सर्किट आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ओके। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ फॉन्ट को इस तरह से कन्वर्ट करना होगा, नॉट दिस वन, ओके।
समवेयर हियर। ओके अब इसको अभी तो रिमूव कर नहीं सकता, रिमूव होगा क्या ये? नो इट विल नॉट रिमूव। ओके तो आपका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। इस डायग्राम में अगर हम केवीएल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो पहले हम लोग जो लूप लेंगे ए ए बी सी डी ई एफ, सॉरी डी ई एफ, इस तरह का लूप लेंगे, ठीक है। अब करंट इसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पहले आई करंट आ रहा है, अब ये करंट आधा इधर गया और आधा ऊपर चला गया, तो इसमें आई बाई टू करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर आने के बाद आई बाई टू इधर से आ रहा है, यहाँ पे सॉरी यार आई बाई टू सी पे दो जगह से आगे मिल रहा था, दोनों आई बाई टू कितने हो जाएंगे, आई हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद एक आई नीचे से आ रहा है, एक आई इधर से आ रहा है, एक आई इधर से आ रहा है, तीनों आई मिलकर थ्री आई हो जाएंगे, टोटल आउटपुट पे करंट थ्री आई हो जाएंगे। अब ये थ्री आई फ्लो होगा, नीचे जाएगा और 10 वोल्ट में आगे कनेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका केवीएल लिखना चालू करते हैं तो 10 वोल्ट विल बी इक्वल टू 1 इंटू आई, ओके, देन 1 इंटू आई बाई टू, देन हियर 1 इंटू आई, एंड अगेन आफ्टर कमिंग आउट इट विल बिकम, ओके दैट विल बी इक्वल टू 10। सो दैट इज रिटन हियर, ओके आई इंटू वन, आई इंटू वन बाई टू, आई इंटू वन माइनस 10 इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 5 आई बाई टू इक्वल टू 10 एंड आई विल बी इक्वल टू 4 एम्पियर। बट वाट इज आई वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर, बट हियर वी आर गेटिंग 3 आई, सो 3 आई विल बी इक्वल टू 12 वोल्ट, 12 एम्पियर, ओके। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर, सो वैल्यू ऑफ आई विल बी 12 एम्पियर, वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी 10 वोल्ट। सो हियर वोल्टेज अपॉन करंट दैट विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस, सो वोल्टेज 10, करंट 12, दैट विल बी इक्वल टू 5 और 6 ओम, क्लियर, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया, बाकी इसके आगे आगे देखते हैं। तो इस तरह से आपका रेजिस्टेंस के वैल्यू 5 और 6 ओम आ जाएगा। इसके आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये थोड़े टिपिकल हैं, क्लास में मैं करवाऊँगा, अभी इसको रहने दीजिए। न्यूमेरिकल अगर आप लोग से बने तो आप लोग करते जाइएगा, ओके। एक चीज़ समझ लेना, अगर किसी भी सर्किट में करंट को मेज़र करना है, मतलब जो मिली एम्पियर में करंट होती है अगर उसको मेज़र करना है तो हम लोग एमीटर का यूज़ करते हैं। बट अगर करंट बहुत ही कम प्रेजेंट है तो प्रेजेंस ऑफ करंट, अगर वहाँ करंट प्रेजेंट है कि नहीं ये बस मेज़र करना है, तो हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं बहुत ही कम करंट को मेज़र करने के लिए, ओके। डिटेक्ट करने के लिए नहीं, मेज़र करने के लिए, मेज़र करने के लिए एमीटर, ठीक है, लेकिन कम करंट को मेज़र नहीं कर सकता। अगर कम करंट है उसको बस डिटेक्ट करना है तो हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करेंगे। अगला टॉपिक हमारा आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, इसका डायग्राम भी कुछ, एक मिनट, ओके, इसका डायग्राम भी कुछ इस तरह से रहता है। ये क्या होता है, एक ट्रायंगल शेप में ब्रिज बना होता है, मतलब एक सर्किट बना होता है जिसमें इसमें इसे चारों ओम पे एक 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 रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं। इसमें पी और क्यू जो है ये नॉन रेजिस्टेंस रखे, ये हम अपने मर्जी से डिसाइड करते हैं। सपोज पी की वैल्यू हमने 5 ले लिया और क्यू की वैल्यू हमने 10 ले लिया, ठीक है, ये हम फिक्स करके रखते हैं इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी। उसके बाद हमको हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस रहता है वो हम एस पे लगाते हैं, ठीक है, उसकी उस वो रेजिस्टेंस कितना हमको कुछ भी नहीं पता है, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आर हम यहाँ रखते हैं। होगा क्या कि अब जब ऊपर वाले वैल्यू हमको पता है, जब ये ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में आएगा तो ये बीच में हम लोग के गैल्वेनोमीटर लगाए, ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जो है वो ज़ीरो हो जाती है, क्लियर। तो जैसे ही करंट ज़ीरो की हम समझ जाएंगे कि इसके मतलब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हो जाएगा। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, पी और क्यू का जो रेशियो रहेगा, पी अपॉन क्यू का जो रेशियो रहेगा वही रेशियो आर अपॉन एस का भी हो जाता है, ठीक है। सपोज पी और क्यू, पी है 5, क्यू है 10, तो इनका रेशियो क्या है, 1/2, और उस वक्त हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस में हमारी वैल्यू मान लो 8 ओम आती है, तो एस की वैल्यू कितनी मतलब ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 16, मतलब 16 होगा तभी यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब तभी ब्रिज बैलेंस होगा जब हम यहाँ पे 8 करेंगे, ठीक है। तो 5/10 इक्वल टू 1/2,
तो 8 by 16 विल बी इक्वल टू ऑल्सो 1 by 2। तो इस तरह से हम इसको मेजर करते हैं। तो होता क्या है, एक रेक्टेंगल शेप में ब्रिज सर्किट होता है जिसमें सेंटर में हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा दिए रहते हैं, और इसके जो बाकी दो है मतलब बी और डी के बीच हम गैल्वेनोमीटर लगा दिए, ए और सी के बीच में हम लोग बैटरी लगा दिए। ठीक है, ये इस तरह का इसका सर्किट रहता है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर से इसको पढ़ेंगे। तो अभी इसको आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाइए। इन व्हीटस्टोन ब्रिज फोर रेजिस्टेंस पी क्यू आर एंड एस आर कनेक्टेड इन एज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। रेजिस्टेंस पी एंड क्यू आर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर इज वेरिएबल, एस इज अननोन रेजिस्टेंस। इन बिटवीन ए एंड सी अ सेल ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड, एंड बिटवीन पॉइंट बी एंड डी गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड। दैट इज दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ए और सी के बीच में सेल कनेक्ट है, बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरह का गैल्वेनोमीटर कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन ये टॉपिक आ सकता है एग्जाम में, कंस्ट्रक्शन। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। कंस्ट्रक्शन के आगे व्हाट इज प्रिंसिपल फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। इन व्हीटस्टोन ब्रिज इफ वेरिएबल रेजिस्टेंस आर वेरिंग इन सच अ मैनर दैट डिफ्लेक्शन इन पोटेंशियल एट बी एंड डी इज इक्वल टू इक्वल, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। जो कुछ मैंने समझाया बस वही चीज़ है। ठीक है, अब इसके आगे हमको थोड़ा सा यहाँ केवीएल लगा के समझना पड़ेगा। ठीक है, तो केवीएल लगा के अगर समझना पड़ेगा तो इसको देखते जाते हैं कि कैसे इस तरह इसको यूज़ करेंगे। ओके, तो पहले हम केवीएल लगाते हैं ए बी डी ए में, ए बी डी ए में। ठीक है, तो जब ए बी डी ए में केवीएल लगाते हैं तो पी इंटू आई वन आई जी इंटू जी, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो हम लोग कैपिटल जी से डिनोट कर रहे हैं, आई जी इंटू जी। एंड यहाँ पे करंट आई माइनस आई वन का डायरेक्शन नीचे साइड है, हम जा रहे हैं ऊपर साइड वापस ए में जाने के लिए, तो इसको हम लोग निगेटिव ले लेंगे। तो माइनस आर इंटू आई माइनस आई वन दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक केवीएल ये हो गया। दूसरा केवीएल लगाएंगे बी सी डी बी में। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्यू इंटू आई माइनस आई जी, फिर एस यहाँ पे निगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस एस इंटू आई माइनस आई वन प्लस आई जी, फिर ये भी निगेटिव, माइनस आई जी इंटू जी, इस तरह से। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब होता क्या है, जब बैलेंस कंडीशन होती है तो आई जी की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो हम जहाँ जहाँ आई जी है वहाँ पे जीरो रख देंगे। तो आई जी की वैल्यू जीरो रखने पे फर्स्ट इक्वेशन जो बन जाएगा पी इंटू आई वन इक्वल टू आर इंटू आई माइनस आई वन, और दूसरा इक्वेशन जो बन जाएगा क्यू इंटू आई वन इक्वल टू एस इंटू आई माइनस आई वन। इन दोनों को अगर आपस में डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन थ्री एंड फोर, सो इट विल गिव यू पी आई वन डिवाइड बाई क्यू आई वन इक्वल टू आर आई माइनस आई वन डिवाइड बाई एस आई माइनस आई वन। I1 कैंसिल और I माइनस I1 आपस में कैंसिल, सो इट विल गिव यू रिजल्ट P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। सो दिस विल बी योर प्रूफ फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है खुद से। ठीक है, और इसको नोट डाउन भी करते हुए जाना है। अगर किसी का लिखना छूट गया होगा तो मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, सर्किट डायग्राम तो आप लोग बना ही लिए होंगे फोटो इससे पहले, प्रिंसिपल भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके प्रूफ से लिखना चालू कर लीजिए आप लोग। ठीक है, वीडियो पॉज करके ओके, सो दिस विल बी योर प्रूफ। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है लेकिन मैं अभी नहीं करवाऊंगा इसको। अगला टॉपिक हम लोग का जो है वो है मीटर ब्रिज। अब जैसा मैं आप लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज बताया, इसमें क्या होता है कि आर और एस जब इस तरह से डिसाइड हो जाते हैं कि इनका रेशियो पी और क्यू के बराबर हो जाता है, तब वहाँ पे बैलेंस कंडीशन आती है और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। तो मीटर ब्रिज भी उसी पे बेस्ड है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आर और एस जो रेजिस्टेंस होते हैं ये हम लोग फिक्स नहीं करते हैं। होता क्या है, पी को हम फिक्स कर देते हैं और जो क्यू है या जो क्यू है उसको हम इसका एक मिनट डायग्राम इसका आप देख लो, उसके बाद डायग्राम समझाते जाता हूँ। कहाँ गया इसका डायग्राम, ओके okay. इसमें आर बी ये जो है ये
नोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, एस जो है वो अननोन रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स से हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, आर एस जो अननोन रेजिस्टेंस है, और इसमें यहाँ पर एक वायर होता है जिसमें हम लोग चौकी मूव करते हैं। एक कंडीशन आती है जबकि गैल्वेनोमीटर, ये जो है ये गैल्वेनोमीटर है, जब गैल्वेनोमीटर से करंट आना फ्लो ज़ीरो हो जाता है, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाता है, तो उस वक्त लेंथ का जो रेशियो रहता है, ठीक है, हम लोग लेंथ का रेशियो लेते हैं, लेंथ का जो रेशियो रहेगा वही इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच का रेशियो रहेगा, ठीक है। तो इसमें इस तरह से काम होता है कि लेंथ के रेशियो हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज जब इज़ अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल बैलेंस व्हीटस्टोन पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, ठीक है। उसमें जो वायर हम यूज़ करते हैं मीटर ब्रिज में वो 1 मीटर का रहता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो वायर यूज़ होता है वो 1 मीटर का रहेगा, और ये जो वायर रहता है वो एक अलॉय रहता है, कौन से दो मेटल्स का, कॉन्टेस्टम और यूरेका का, ठीक है, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस ड्यू टू लो रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर करंट फ्लो होगा, ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे भी इनका रेजिस्टेंस जो है वो लो रहता है, ठीक है। एल जो है बैलेंसिंग लेंथ हो गया, तो इस तरह से ये हो गया आपका मीटर ब्रिज। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या रहता है ये आप लोग लिख लीजिएगा, इन दिस ओ 1 मीटर लॉन्ग कॉन्टेस्टम एंड यूरेका एंड मैग्नीनियम वायर इज अरेंज बिटवीन ए एंड सी ऑन मीटर ऑन अ 1 मीटर लॉन्ग वुडन स्केल, ठीक है, ये सब मतलब उसके बारे में है, तो इसको आप अपने वर्ड्स में लिखते जाइए, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वैसे इस पर बेस्ट प्रैक्टिकल है, क्लास में इसको करेंगे तो आप वहाँ समझ सकते हैं, ओके। ठीक है, इसको आप अपने से लिखते जाइए, ओके, न्यूमेरिकल छोड़िए। उसके बाद अगला टॉपिक आता है पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर इज़ अ डिवाइस, मेनली एक डिवाइस है जो कि किसी भी सेल का ईएमएफ को मेज़र करता है। अब हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर भी मेज़र कर सकता है, वोल्ट मीटर मीटर जो ईएमएफ नहीं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है, जब करंट फ्लो हो रहा होता है तब का उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस कितना वो मेज़र करता है, लेकिन जब करंट फ्लो नहीं होगा तब का उसका पोटेंशियल कितना है, इसको हम बोलेंगे ईएमएफ। तो ईएमएफ को मेज़र करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच जनरली यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन जो है सेम मीटर ब्रिज टाइप का ही होता है, बट होता क्या है कि इसमें 1 मीटर का वायर नहीं रहता है, ठीक है, इसमें क्या रहता है 1 मीटर के 10 वायर रहते हैं, ठीक है, तो टोटल 10 मीटर वायर रहता है। और इसकी जो डायग्राम रहती है वो कुछ इस तरह से रहता है, यहाँ पे हम लोग सेल कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे रियोस्टेट रहता है, यहाँ अमीटर लगा होता है, और नीचे में ये 1 मीटर के वायर के 10 लाइन रहती हैं, ठीक है, थीके? और उसमें हम लोग चौकी को मूव करते हैं, जिस जहाँ पे बैलेंस कंडीशन आएगा वहाँ पे हम सेल का ये समझ लेते हैं कि दोनों सेल आपस में बैलेंस्ड हो गए। इसमें हम दो सेल इसमें क्या करते हैं दो सेल को के ईएमएफ कंपेयर करने का काम आता है, या दो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कंपेयर करने का, दोनों सेल को इस तरह से अरेंज करते हैं और जॉकी को वायर पे मूव करते जाते हैं, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है वो देख लेते हैं, बस इसको कंस्ट्रक्शन देखना, इससे ज़्यादा आपको नहीं समझना है, ओके। अगेन पोटेंशियोमीटर भी क्या होता है, इसमें भी मतलब आपको बस क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ जनरली यूज टू मेजर ई एम एफ ऑफ सेल टू कम्पेयर ई एम एफ ऑफ टू सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। आगे अगर जाते हैं तो ये सॉरी इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट वेन कॉन्स्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पार्ट ऑफ वायर, ओके, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो वायर के लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो लेंथ को कंपेयर करके हम पोटेंशियल को कंपेयर कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर ई एम एफ वेयर एज वोल्ट मीटर मेजर टर्मिनल वोल्टेज, जैसा कि मैं आपको बताया था। उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक कंडक्शन वायर फिक्स्ड एट वुडन बोर्ड, प्रैक्टिकली दिस लॉन्ग वायर पी क्यू कंसिस्ट ऑफ 10 मीटर विच इज डिवाइडेड इंटू 10 पार्ट्स, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन है, बाकी आपको एक बार दिखा दूंगा कंस्ट्रक्शन, आपको समझ में आ जाएगा, तो ये आप लोग अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको जानने की ज़रूरत नहीं है।
पढ़ना हो तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। मैं एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, किसी को इंटरेस्ट है तो पढ़ सकता है, बाकी आपके सिलेबस में सब नहीं है तो आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू क्लास।